हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट अकेडमी। और गाइस, हम पढ़ रहे हैं एडवांस मैथ, और एडवांस मैथ के अंदर हम सबसे पहले टॉपिक लिया है ज्योमेट्री, क्योंकि ज्योमेट्री कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज्योमेट्री में हम लाइन एंड एंगल पढ़ चुके हैं, और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे उसको अच्छे से किया है। और गाइस, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आपको प्रीवियस लेक्चर देख लेना चाहिए। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स, क्योंकि हम ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, तो ट्रायंगल से रिलेटेड उसकी डेफिनेशन और उसके हम प्रकार पढ़ेंगे। और गाइस, शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे मैं नया लेक्चर अपलोड करूँगा तो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं। ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या होता है? तीन साइड से घिरा हुआ भाग ही हमारा ट्रायंगल कहलाता है, जिसमें ए बी और सी आपस में नॉन कोलिनियर होगी। और गाइज, कोलिनियर की अगर मैं बात करूँ तो कोलिनियर मैं प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। तो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, थ्री साइड से घिरा हुआ पोर्शन ही हमारा क्या होता है? ट्रायंगल कहलाता है। अब यहाँ पर हम ए के सामने की साइड ए मान लेते हैं, और बी के सामने की साइड बी मान लेते हैं, और सी के सामने की साइड सी मान लेते हैं। हालांकि आप कोई भी मान सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको इसी ऑर्डर में मानना है। अब देखिएगा, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर हम क्यों देख रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा आगे। देखिए, अगर पेरीमीटर की मैं बात करूँ तो इसको 2a से डिनोट करूँगा, और ये होता है पेरीमीटर क्या होता है? साइड का सम, जितनी भी हमारी साइड होगी उसका सम कर लेंगे तो वो हमारा पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। तो ये क्या पेरीमीटर क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। तो क्या हुआ पेरीमीटर? a प्लस बी प्लस सी हुआ। अगर मैं यहाँ सेमी पेरीमीटर की मैं बात करूँ, सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? क्योंकि सेमी मतलब हाफ होता है, तो इसका हम हाफ कर देंगे, इससे एस से डिनोट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ये हमारा हो जाता है सेमी पेरीमीटर। तो ये एस की वैल्यू आ जाती है। अब क्योंकि हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल का, हमें एरिया निकालना था है एरिया, और भी हम और मेथड से भी निकालेंगे, लेकिन इन जनरल मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। यहाँ लिख लेता हूँ मैं एरिया। एरिया होता है हमारा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अगर हम बताएं इन जनरल फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो हमारा ये एरिया का फॉर्मूला होता है इन जनरल। अब देखिएगा, यहाँ पर हमारा मैंने आपको बताया है एस क्या, हमारा सेमी पेरीमीटर है, इसलिए मैंने सेमी पेरीमीटर निकाला है, क्योंकि जब हम एरिया निकालेंगे तब हमें उसकी आवश्यकता होगी, इसलिए मुझे सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ा। ये तो हो जाता है हमारा एरिया। अब मैं बात कर लेता हूँ, एक दूसरा मेथड होता है उससे भी हम एरिया निकाल सकते हैं। लिख लेता हूँ मैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये भी इस फॉर्मूले से भी हम एरिया निकाल सकते हैं, ये हो जाता है। अब हम इससे भी निकाल सकते हैं 1/2 बी सी साइन ए। ये सब मैं जो भी बता रहा हूँ ये ट्रायंगल का एरिया निकालने की फॉर्मूले बता रहा हूँ। 1/2 ए बी साइन सी, ये भी सब मैं बताऊँगा आपको कैसे निकालना है और कैसे इसको याद करना है। 1/2 ए सी साइन बी। अब देखिएगा, ये मैंने आपको फॉर्मूले बताए, ये फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला बताया है, और ये फॉर्मूला बताया है। मैं इसमें से एक बताऊंगा और ये उसी का अप्लाई करते हुए आप दूसरा भी दोनों निकाल सकते हैं। देखिएगा, ये तो मैंने बता दिया एरिया, इन जनरल आपको बताया कि कैसे निकालना है। ये भी होता है एक एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया निकालने का मेथड होता है ट्रायंगल में। अब ये भी एरिया, इससे भी हम एरिया निकालते हैं, इससे भी एरिया निकालते हैं, और इससे भी हम एरिया निकालते हैं। अब देखिएगा, अगर हम बात करें ये आया कैसे है, ये देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल लेता हूँ, ये मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला है ए से, और ये हमारा डी हम इसको मान लेते हैं। ए वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से हम बी सी पर परपेंडिकुलर डालते हैं, और ये डी पर मीट करता है यहाँ पर, तो हमारा एक ट्रायंगल बन जाता है ए बी डी। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया है। अब देखिएगा, ये हमारा मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बना है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर करूँ बात साइन बी की, इसको हम बी मान लेते हैं। साइन बी क्या हो जाएगा? एक लंब अपॉन कर्ण होता है, ये हमारा एच है, एच अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एच अपॉन सी। देखिएगा, साइन बी की अगर मैं बात करूँ तो साइन एच अपॉन सी हो जाएगा, एच हमारा लंब है और ये हमारा कर्ण है, तो लंब अपॉन कर्ण क्या होता है? साइन होता है हमारा, साइन बी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से एच की वैल्यू निकाल, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारी? सी साइन बी हो जाएगी। अब देखिएगा, मेरे पास एच की वैल्यू आ चुकी है, मैंने आपको अभी बताया एक फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला लगाते हैं, देखते क्या आता है। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया इक्वल टू हमारा हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस क्या है हमारा? बेस हमारा ए है, इंटू, और लंब कितना हो जाएगा? ये हमारा एच क्या है? लंब हुआ, तो सी साइन बी। अब देखिएगा, ये हमारा क्या आया है? 1/2 ए सी साइन
बी, देखिएगा एरिया निकला है और देखिएगा ये देखिएगा मैच कर गया। तो आप यही जो मैंने आपको मेथड बताया है इसी तरह से आप ये दोनों भी चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो ये हमारा एरिया है। तो मैंने यहाँ पर आपको पांच फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, ये पांच फॉर्मूले से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ये हमारे क्या है, पांच फॉर्मूले हैं। अब आगे चलते हैं। अभी मैंने ट्रायंगल की बात की है, ट्रायंगल के अब हम टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ये ट्रायंगल के टाइप्स है बेस्ड ऑन साइड एंड बेस्ड ऑन एंगल्स। देखिएगा ये तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं और ये बेस्ड ऑन साइड है। तीन तरह के ट्रायंगल हैं जो एंगल पर बेस्ड हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो साइड्स पर हमारे बेस होते हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिएगा ये हम बात कर लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल। ये तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं, इनको इनकी डेफिनेशन से और इनके एरिया और परपेंडिकुलर जो निकालना है वो भी हम सब निकालेंगे देखेंगे। अब चल लेते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होती है। ये देखिएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, जो साइड्स होती है वो सभी इक्वल होती है। अगर मैं इसको ए मानता हूँ तो इसको भी ए मानना होगा और इसको भी ए मानना होगा। अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया की बात करूँ तो एरिया क्या होता है हमारा, रूट 3/4 भुजा का यानी कि साइड का स्क्वायर। ये साइड का स्क्वायर होता है, ये हमारा क्या होता है, एरिया होता है। अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालता हूँ, इसको हम लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर है ये, इसको मैं एच मान लेता हूँ। अगर मैं इसकी बात करूँ, एच इक्वल टू क्या होता है, रूट 3/2 इंटू साइड। ये होता है फॉर्मूला। एक तो एरिया बताया मैंने आपको, एरिया का फॉर्मूला ये होता है, और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये इसका जो इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं या लंब डालते हैं उसका ये हाइट होती है। देखिएगा अब ये तो ये क्योंकि हमें कंपटीशन एग्जाम देने हैं तो हमें याद कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि मैं आपको ये भी बताऊंगा ये आया कैसे है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन मैं आपसे रिकमेंड करना चाहूँगा कि आपको ये याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें टाइम इतना होता नहीं है कि आप ये सब निकालो। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो तुरंत ये वैल्यू पुट करो तो आपका आंसर निकल जाएगा, उसमें पेन और पेपर की भी आवश्यकता नहीं होती है। आप देखिएगा बात कर लेते हैं ये एरिया आया कैसे है। अगर मैं यहाँ से, ये हमारा वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से इस BC पर मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूँ जो यहाँ पर D पर, हम इसको D मान लेते हैं, ये D पर मीट करता है। जब ये D पर मीट करेगा तो ये आपस में बराबर भाग में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, और यहाँ से मैं डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब देखिएगा जब ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये पूरी BC की अगर बात करूँ तो ये A है, तो ये वाला कितना पोर्शन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा A/2 हो जाएगा। अब देखिएगा B और D हमारा क्या हो गया है, बी और डी हमारा हो गया है, ये डी और बी हमारा क्या A/2 हो गया। इसमें हमने जब ये परपेंडिकुलर डाला है तो ये 90 डिग्री हुआ, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। जब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम में लगाता हूँ तो ये क्या है हमारा, हाइपोटेनस है, ये बेस है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर A/2 का होल स्क्वायर, और इसका ले लेंगे हम रूट, इसका हमने ले लिया रूट, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3A² / 4। अब देखिएगा एच स्क्वायर इक्वल टू 3A² / 4 है, तो इसका एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका हम रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा √3A/2। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी, यानी कि जो हमारा परपेंडिकुलर है ये वैल्यू है √3/2 × A। देखिएगा हमारा ये सेम है, यानी कि मैंने ये क्या साइड है हमारी, ये हमारी एक साइड है, तो हमारा ये आ चुका है। अब क्योंकि मैंने आपको परपेंडिकुलर बताया है, अब हम एरिया देख लेते हैं, एरिया कैसे निकालना है। एरिया क्या हो जाएगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ½ × बेस कितना हमारा ए है, ए इंटू परपेंडिकुलर कितना है हमारा, √3/2 × A। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा √3/4 × A² तो हमारा एरिया आ गया है। आप देख भी रहे होंगे ये हमारा, ये तो मैंने आपको बताया कैसे निकल के आया है, ये देखिएगा ये हमारा आ चुका है एरिया। तो मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, ये भी बताया है कैसे निकला, ये एरिया कैसे आया है और ये हाइट कैसे आई थी, ये दोनों मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल पर। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड जिसकी इक्वल होती है वो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। देखिएगा ये ए मान लेते हैं, ये भी ए मान लेते हैं, और ये हम इसको बी मान लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपको चीज़ बताते चलता हूँ, ये हमारा इक्वल है, ये भी इक्वल है, ए सी के कारण बी पर एंगल बन रहा है और ए बी के कारण सी पर एंगल बन रहा है। ये आपस में दोनों इक्वल है तो एंगल हमारा बी और सी भी आपस में इक्वल होंगे, ये आपको चीज़ याद रखनी है। देखिएगा ये हमारी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। अब मैं एरिया की बात करूँगा, एरिया क्या होगा हमारा,
या तो आप डायरेक्ट याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा। तो ये एरिया बात करते हैं, बी रूट ऑफ 4a² माइनस b² अपॉन 4, ये एरिया होता है आइसोसेलेस ट्रेंगल का। तो अगर मैं इसके यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालता हूँ, ये मैंने एक परपेंडिकुलर डाला है, देखिएगा जब मैंने ये परपेंडिकुलर डाला है और ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये भी दोनों आपस में इक्वल हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, इसका यूज करेंगे हम। देखिएगा तो हमें बात कर लेते हैं h की, तो h वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 4a² माइनस b² और इसका ले लेते हैं हम रूट और अपॉन 2 कर देते हैं। तो ये क्या आ जाता है हमारा, हाइट आ जाती है, यानी कि जो हमारा एक परपेंडिकुलर डलेगा ए से, हमने जो परपेंडिकुलर डाला इसको मैं d मान लेता हूँ, ये आ जाती है हमारी, ये हाइट आ जाती है, या इसको परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, तो ये हमारी आ जाती है दोनों। तो आपको अगर आपसे बोला जाता है, आप ये आइसोसेलेस ट्रेंगल दे दिया जाता है और एरिया पूछा जाता है, तो आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा आपका। अब देखिएगा अगर मेरे पास ये है और मेरे पास ये आ जाती है, तो मैं डायरेक्ट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी करके निकाल सकता हूँ। अब देखिएगा ये आया कैसे, ये बात कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इस पर परपेंडिकुलर डाला तो ये आपस में क्या हो जाएगा, बी और डी बी बाई टू हो जाएगा, ये बी बाई टू हो जाएगा और ये भी बी बाई टू हो जाएगा। जब भी मैंने परपेंडिकुलर डाला तो ये आपका क्या बना, राइट एंगल ट्रायंगल बना। राइट एंगल ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दे दूंगा, तो ये एच मान लेता हूँ, तो एच मेरी क्या हो जाएगी, एच इक्वल टू हो जाएगी, ये मेरा हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस ये क्या है, बेस है, बी बाई टू का होल स्क्वायर और इसका ले लेते हैं हम रूट, क्योंकि हमें बाद में भी रूट लेना होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 4a² माइनस b² अपॉन 2। 2 मैंने इसलिए क्योंकि मैंने रूट ले चुका हूँ। देखिएगा ये क्या है, h की वैल्यू आ जाती है, आप देख भी रहे हैं, ये देखिएगा h की वैल्यू क्या है हमारी, 4a² माइनस b² अपॉन इसका रूट लिया है अपॉन 2, तो ये मेरा h की वैल्यू आ जाती है। तो ये मेरी आ चुकी है h की वैल्यू, जो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाई है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके एरिया की, क्योंकि मेरे पास हाइट आ चुकी है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है मेरा b है, इंटू हाइट मेरी क्या आ चुकी है, हाइट मेरी यह है रूट ऑफ 4a² माइनस b² का रूट ले लेते हैं अपॉन 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, बी रूट ऑफ 4a² माइनस b² अपॉन ये हमारा आ जाएगा 4। देखिएगा एरिया मैंने आपको एरिया भी निकाल के बता चुका हूँ मैं आपको कि कैसे आना है, और आपको हाइट भी मैंने आपको बता दी कैसे आनी है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको ये तो आपको पता लग चुका है कि कैसे आया, लेकिन आप इसको याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रह जाएगा आपके लिए। अब हम चलते हैं स्केलन ट्रेंगल पर, ये हमारा साइड के आधार पर, भुजा के आधार पर हम ट्रेंगल पढ़ रहे हैं और दो पढ़ चुके हैं, ये हमारा तीसरा है स्केलन ट्रेंगल। स्केलन ट्रेंगल में क्या होता है, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी और इसको सी, आप कैसे भी मान सकते हैं, हालांकि ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी मान लेते तो सही रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी मान सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ऐसा हमें दिया हुआ है। देखिएगा अगर ये कह दिया जाए कि इसका एरिया निकालना है हमें, इसका हमें एरिया निकालना है, तो कैसे निकालना है, आपको मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो ये हमारा इसका रूट ले लेंगे तो एरिया निकल चुका है हमारा। अब देखिएगा ये हमारा एरिया निकल चुका है, अगर आपसे कहा कि इसका परपेंडिकुलर डालो और ये इसकी हाइट बताओ, मैंने परपेंडिकुलर डाला है तो इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, देखिएगा ये एरिया आ चुका है, अब इसका एरिया हम कैसे भी निकालेंगे तो एरिया हमारा सेम ही आएगा। देखिएगा तो ये हमारा एरिया आ चुका है, अगर मैं हाइट निकालूँ तो क्या करूँगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है हमारा, बेस ए बन जाएगा, इंटू ये हमारा एच है, इंटू एच इक्वल टू, क्योंकि ये हमारा एरिया है और हमने एक दूसरा मेथड है उससे भी हमने एरिया निकाला है, इस एरिया को हम इसके इक्वल रख देंगे तो हमारा एच की वैल्यू हमसे आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, इसे इस तरह से लिख रहे थे 1/2a इंटू एच इक्वल टू, ये रख देंगे ये वैल्यू तो हमारी एच की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। ये तो हमने पढ़ा है बेस्ड ऑन साइड्स जो भी हमारे ट्रेंगल है, अब हम पढ़ लेते हैं बेस्ड ऑन एंगल पर जो हमारे ट्रेंगल हैं, ये तो हमने अभी पढ़ा है। आप देखिएगा और गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ईजी होता है ये, तो क्योंकि मुझे टाइम से ले लगता है क्योंकि मुझे आपको हर चीज़ बतानी होती है, हालांकि इतनी चीज़ एग्जाम में तो लिखनी होती नहीं है, और क्योंकि आपको आपका कन्वेंशनल पेपर तो है नहीं कि आपको राइट करना है, आपका पेपर होगा उस पर सॉल्व करना है जितना अपना टाइम सेव कर सको, तो मुझे टाइम इसलिए लगता है क्योंकि मुझे हर चीज़ आपको बतानी होती है,
और बताना भी इसलिए पड़ता है क्योंकि आप मेरे सामने तो होते नहीं है, आपका कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको बता दूंगा, तो मुझे इसलिए हर चीज़ बतानी होती है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिएगा ये तो है बेस्ड ऑन एंगल, एक्यूट एंगल ट्रेंगल। देखिए एक्यूट एंगल ट्रेंगल की अगर मैं बात करूँ, इसमें हमारा क्या होता है कि जो भी हमारे एंगल होंगे वो सारे एंगल हमारे 90 से छोटे होंगे। एंगल बी भी हमारा 90 से छोटा होगा और एंगल सी भी हमारा 90 से छोटा होगा। ये देखिएगा ये तो हमारी हो जाती है एक्यूट एंगल ट्रेंगल के बारे में सारी बातें। और देखिएगा एक्यूट एंगल ट्रेंगल में एक चीज़ और मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। आप देखिए ए के सामने मैं ए मान लेता हूँ, बी के सामने बी मान लेता हूँ और सी के सामने सी मान लेता हूँ, तो यहाँ पर एक रिलेशन होता है कि ए स्क्वायर हमेशा छोटा होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। देखिएगा ये हमारा क्या है एक्यूट एंगल ट्रेंगल के बारे में ये है, यानी कि अगर हम एक साइड का स्क्वायर करते हैं तो वो उसके रिमेनिंग जो दूसरी साइड बची है उनके स्क्वायर के सम से छोटा होता है इक्यूट एंगल ट्रेंगल के अंदर। तो ये हो जाता है हमारा इक्यूट एंगल ट्रेंगल से संबंधित चीज़ें हैं हमारी। अब देखिएगा गाइज मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताते हुए चलता हूँ कि हमारे जितने भी ट्रेंगल होते हैं ट्रेंगल के, क्योंकि ट्रेंगल है तो तीन इसमें थ्री एंगल होंगे, तो थ्री एंगल का जो सम होता है, सम कितना होता है हमारा 180 डिग्री होता है। ये हमें से याद रखना है, ऑलवेज ऐसा होता है। ये हो जाता है हमारा, अब हम राइट एंगल ट्रेंगल पढ़ेंगे। देखिएगा ये हमारा है राइट एंगल ट्रेंगल, इसमें हमारा ये मैंने आपको बताया है कि ये हमारा राइट एंगल ट्रेंगल है, यानी कि हमारा ये 90 डिग्री होगा। देखिएगा जब मैंने ये 90 डिग्री बनाया है तो ये मेरा हाइपोटेनस हुआ, इसमें भी हाइपोटेनस दो मेरा बनाने का क्या मकसद है वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिएगा अगर मैं यहाँ बात कर लेता हूँ, ये हाइपोटेनस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये बेस होता है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि नहीं मैं इसको बेस मानूँ और इसको परपेंडिकुलर मानूँ, तो हम ऐसे भी मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिएगा अगर मैं बात कर लूँ तो ए के सामने हमारा ए है, बी के सामने बी है और सी के सामने सी है, तो यहाँ पर एक रिलेशन आता है बी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारा एक रिलेशन आता है। देखिएगा अभी राइट एंगल ट्रेंगल में इतने ही, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे जब क्वेश्चन आएंगे। देखिएगा केवल राइट एंगल ट्रेंगल को समझाना था मेरा मकसद, तो मैंने ये आपको बताया है राइट एंगल ट्रेंगल में क्या होता है। ये क्या है हमारा, ये पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस, ये हमारी एक पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब देखिएगा ये तो हमारी होती है राइट एंगल ट्रेंगल, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ट्रेंगल के बारे में। देखिएगा ये हमारा है नेक्स्ट ट्रेंगल है जिसमें ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रेंगल है, इसमें हमारा एंगल जो होगा वो एक हमारा 90 डिग्री से बड़ा होगा। ये हमारा क्या है राइट ऑब्ट्यूज एंगल्ड है, ऑप्टिज एंगल ट्रेंगल है हमारा, इसमें कंडीशन यही है कि हमारा एक एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो ये हमारा 90 डिग्री से बड़ा है तो ये हमारा क्या है ऑप्टिज एंगल है। ये हमारा जाता है, देखिएगा अगर मैं यहाँ पे एंगल की बात करूँ, ये हम इसको ए मान लेते हैं, इसको मैं ए और इसको सी मान लेता हूँ, तो इनका सबका एंगल का मैं अगर बात करूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये सब कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये हर हमारा जितना भी ट्रेंगल होंगे हर ट्रेंगल के केस में हमारा ये होगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है अभी हमने ट्रेंगल के टाइप्स पढ़े हैं, अब हम ट्रेंगल के थोड़ा सा और एडवांस पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे, हमें एक ट्रेंगल दे दिया जाता है तो इसमें पूछा था इसके बीच में एक सेंटर दे दिया जाता है, तो ये हमारे ट्रेंगल के सेंटर कौन कौन से होते हैं, क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए अगर हम बात करें सेंटर्स ऑफ अ ट्रेंगल, कोई एक ट्रेंगल दिया है उसके हमारा सेंटर होगा, वो कैसे कैसे सेंटर होंगे उसके बारे में बात करेंगे। देखिए अगर मैं सेंटर की बात करूँ तो ये हमारे इन सेंटर होता है, सर्कम सेंटर होते हैं, ये हमारे सेंटर होते हैं, सेंट्रोइड होता है और ऑर्थो सेंटर होते हैं, ये हमारे सब ट्रेंगल के अंदर ही होते हैं। हमारा इन सेंटर ट्रेंगल के अंदर, सर्कम सेंटर भी ये हमारा ट्रेंगल के अंदर होगा। अब देखिएगा ये बनते कैसे हैं इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ सेंट्रोइड की, सेंट्रोइड क्या होता है, जो हमारी मीडियन होती है, मीडियन क्या होती है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिएगा अगर मीडियन की बात करूँ तो ये हमारा एक ट्रेंगल है ए बी और मैं इसको सी मान लेता हूँ, इसका कोई मिड पॉइंट होगा, इस मिड पॉइंट को हम यहाँ पर जो हमारी इसके सामने जस्ट अपोजिट वर्टिस है इस वर्टिस को हम मिला देते हैं। इसी तरह से ए सी का जो मिड पॉइंट होगा इस मिड पॉइंट को हम बी वर्टेक्स है इस वर्टेक्स से हम इसको मिला देते हैं, तो ये जो पॉइंट मिल रहा है ये पॉइंट हमारा क्या होगा, ये हमारा सेंट्रोइड होता है। इसी तरह हम यहाँ करेंगे, इसका मिड पॉइंट लेंगे और ये आपस में मीट करा देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया सेंट्रोइड होता है, इसको जी से डिनोट करते हैं, ये मैंने आपको दिखाया भी है। अब देखिएगा इनमें एक रिलेशन होता है ए, क्योंकि मैंने आपको बताया है मिड पॉइंट मैंने लिया है और इसको इसके सामने जो वर्टेक्स है उसको मीट करा दिया, तो ये हमारी एक बन जाता है। इसी तरह से बी के सामने ए सी है, ए सी का हम मिड पॉइंट लेते हैं, इस ई को बी से मिला देते हैं, तो ये आपस में कहीं आपस में कट करती है, ये
तीनों जो हमारे मीडियन हैं, ये मीडियन इस पॉइंट पर कट करती है, इसको हम जी बोलते हैं। तो इनमें एक रिलेशन होता है 2:1 का, 2:1 का एक रिलेशन बनता है ए जी रेशो जी डी, ये हमारा होता है 2:1। देखिएगा, ये अगर मैं पूरी की बात करूँ, ए डी क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, क्योंकि जब ए जी हमारा क्या है, मैंने ए जी और जी डी में एक रिलेशन होता है 2:1, तो ए जी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये मेरा सेंट्रोइड के बारे में है कि हमारा जो मिड पॉइंट आता है, मीडियन यहाँ से लिया जाता है कि मिड पॉइंट है, ये हमारा हो जाता है सेंट्रोइड के बारे में। तो क्योंकि इसका हम जब क्वेश्चन करेंगे तो इसका यूज होगा। अब हम बात कर लेते हैं इन सेंटर के बारे में, इन सेंटर कैसे बनता है इसके बारे में बात करेंगे। पहले तो देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं इन सेंटर, क्योंकि हमारा इन सेंटर इन सर्कल होगा, यानी कि हमारे एक ट्रेंगल दिया होगा, उस ट्रेंगल के अंदर एक सर्कल होगा, उस सर्कल की जो रेडियस होगी उसको इन रेडियस बोलेंगे। ये बनती कैसे है, एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर भी आपस में मीट कर जाएंगे वो क्या होगी, हमारी इन सेंटर बनाएगी। देखिएगा, इसका एंगल बाइसेक्टर मैं ले लेता हूँ, ये मैंने एंगल बाइसेक्टर, यानी कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इसी तरह से इसका एंगल बाइसेक्टर मैं ले लेता हूँ, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये इस तरह से मीट करा देता हूँ, अगर ये गामा है तो ये भी गामा होगा, और ये जो पॉइंट मिला है ये इन सर्कल का सेंटर होगा, इन सर्कल का सेंटर होगा ये। तो ये क्या होगी, इसको आर बोलते हैं। तो ये मैंने सब आपको यहाँ पर दिखाया बहुत अच्छे से, ये मैंने बताया इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। ये हमारा एक ट्रायंगल है एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में हम बात कर रहे हैं, ये हमारा एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर एंगल बाइसेक्टर हमने लिया है, ये ए डी एंगल बाइसेक्टर है इसका, और एंगल ए का, ये हमारा बी ई एंगल बी का बाइसेक्टर है, और सी एफ ये एंगल बाइसेक्टर है सी का। तो ये आपस में सब इक्वल है, अगर ये अल्फा है इसको मैं पूरा मान लेता हूँ थीटा, तो ये जब ये पोर्शन होंगे हमारे थीटा बाई टू, और इसी तरह से अगर मैं इसको ये बीटा मान लेता हूँ तो ये बीटा बाई टू होगा, ये बीटा बाई टू होगा, और इसको मैं गामा मान लेता हूँ या अल्फा मान लेते हैं तो ये अल्फा बाई टू होगा, ये भी अल्फा बाई टू होगा। देखिएगा, अब बात कर लेते हैं हम, क्योंकि मैंने ये हम पढ़ रहे हैं एंगल बाई सेक्टर, ये मैंने करा है इसका एंगल बाइसेक्टर। देखिएगा, यहाँ पर एक एंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है, देखिएगा ये एंगल बनता नज़र आ रहा है, अक्सर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि ये एंगल मैं बात करूँ एंगल बी ओ सी की वैल्यू क्या होगी, हमें निकालनी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन दे दिया जाता है इस तरह से और आपसे कहा जाए कि एंगल बी ओ सी की वैल्यू क्या होगी, तो ये वैल्यू होती है हमारी 90 प्लस एंगल ए बाई टू, ये आप इसको याद कर सकते हैं। ये होता है, अगर इस तरह से फिगर बन रही है, अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि एंगल बी ओ सी की वैल्यू क्या होगी, 90 प्लस इस जो इसके अपोजिट एंगल बना हुआ है इसका हाफ कर देंगे तो ये, और इसको ऐड कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा बी ओ सी। अब देखिएगा, ये तो हमारा है, इधर भी एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, इसको ओ डैश मान लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि एंगल बी ओ डैश सी, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये वैल्यू होती है हमारी 90 माइनस एंगल ए बाई टू। आप दोनों याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये अक्सर पूछ लिया जाता है, और आपको ये सब चीज़ मैंने बताई है ये भी आपको याद होनी चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर होते हैं, एंगल बाइसेक्टर होंगे तभी ये नियम इसमें लागू होगा, अदरवाइज ये लागू नहीं होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं सरकम सेंटर के बारे में, ये तो मैंने आपको इन सेंटर के बारे में बताया है, अब हम बात कर लेते हैं सरकम सेंटर के बारे में। तो सरकम सेंटर में क्या होता है हमारा, जो हमारी ये साइड है, मैं इस तरह से यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि इसमें वो आपको समझने कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिएगा, इसका कहाँ पर ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेता हूँ और इसको मैं सी मान लेता हूँ, इसका जो भी मिड पॉइंट है ये एक मिड पॉइंट मान लेते हैं, तो इस पर हम एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं, इसका कोई मिड पॉइंट रहा होगा, इसका हम एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं। इसी तरह से देखिएगा, मिड पॉइंट यहाँ पर कहीं पर हो गए, तो मिड पॉइंट से हम इस तरह से परपेंडिकुलर खींच लेते हैं, तो ए जो ये कट यहाँ पर आपस में मीट करिए तीनों परपेंडिकुलर, इसको हम ओ दे दिए नाम, तो ये हमने ए ओ को आपस में मिला देते हैं, ये आपस में मिला देते हैं और ये आपस में मिला देते हैं, तो ये जो बनेगा, ये बनेगा हमारा सरकम सेंटर होगा, और ये बनेगा हमारा सरकम सर्कल बन जाएगा। तो ये मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से समझाया है। तो देखिएगा, मैंने क्या किया है, ये हमारी एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये मैंने मिड पॉइंट है बी सी का, ए सी का ये मिड पॉइंट है और ए बी का मिड पॉइंट ये है। अब हम इसको नाम देते हैं, इसको मैं ई मान लेता हूँ, इसको F मान लेता हूँ और इसको D मान लेता हूँ। देखिएगा, तो ये हमारे क्या है, ये मिड पॉइंट है BC का, मिड पॉइंट D है,
सी ए का मिड पॉइंट ई है और ए बी का मिड पॉइंट एफ है, तो इन पर मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचा गया है और ये जहाँ मीट करे ये हमारा क्या होता है, सरकम सेंटर होता है। सरकम सेंटर का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से इस ट्रेंगल के बाहर एक सर्कल खींचते हैं तो हमारा इस तरह से सर्कल बनता है, इस तरह के सर्कल को हम सरकम सर्कल बोलते हैं। अब देखिए ऊपर हमने पढ़ा है अभी एक इन सर्कल पढ़ा है और सरकम सर्कल पढ़ रहे हैं, तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है कि R, इसको हमने R से डिनोट किया है, R इज टू स्मॉल R इक्वल टू 2:1 का एक रेशो बनकर आता है, ये एक रिलेशन होता है। अब देखिएगा ये मैंने ट्रेंगल लिए है इक्विलेटरल ट्रेंगल, ये भी इक्विलेटरल ट्रेंगल मैंने लिया है, हालांकि किसी भी अगर आपको ये रूल समझ में आ जाएगा तो आपको किसी में भी वो लगा सकते हैं। देखिएगा ये इक्विलेटरल ट्रेंगल है, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो ये R इज टू R में जो रेशो आया है 2:1 का रेशो आया है। अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, ये तो रिलेशन के बारे में बताया, अगर मैं R की बात करूँ कि केवल मुझे R की वैल्यू निकालनी है तो ये हमारी हो जाती है a अपॉन रूट 3 हो जाती है। और देखिएगा अगर मैं स्मॉल R की बात करूँ जो हमारी, क्योंकि R कैपिटल R सरकम सेंटर है और स्मॉल R हमारा इन सेंटर है, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी हमारी a अपॉन ट्वाइस रूट 3, ये हो जाती है इनकी R की वैल्यू कितनी हो जाती है a अपॉन रूट 3 और स्मॉल R की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी, ये हो जाती है हमारी a अपॉन 2√3। तो R क्या है, स्मॉल R का जो हमारा इन सर्कल है, इन सर्कल की रेडियस है R, ये क्या है R कैपिटल R, ये सरकम सर्कल जो है हमारा इसकी रेडियस है। तो ये तो मैंने आपको बताया है कि R और स्मॉल R ये हमारे क्या है। अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ दूसरा तरीका और बताते हैं हम आपको, ये तो मैंने एक ये तरीका बताया, दूसरा तरीका क्या है, R इक्वल टू होता है ए बी सी अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रेंगल, इस तरह से भी हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिएगा ये तो हो जाता है R, केवल R R की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे R की वैल्यू निकालनी है और स्मॉल R की वैल्यू नहीं निकालनी है तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरह से हम स्मॉल R की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो स्मॉल R की वैल्यू हमारी हो जाएगी एरिया ऑफ ट्रेंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, तो ये हमारा आ जाता है। देखिएगा ये फॉर्मूला हमारा जो होगा ये किसी भी ट्रेंगल में लग जाएगा, और जो ये मैं लगा रहा हूँ ये हमारा लगेगा केवल इक्विलेटरल ट्रेंगल में, तो ये हमारा किसके लिए है, केवल इक्विलेटरल ट्रेंगल के लिए है ये तो, और ये हमारा इन जनरल किसी भी ट्रेंगल के लिए है ये, तो ये हम अप्लाई करेंगे और ये हमारी R और स्मॉल R की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब हम बात कर लेते ये इनके बारे में, ये आया कैसे है, क्योंकि हालांकि हमसे ये पूछा नहीं जाता, क्योंकि हमें तो ये बताना होता है कि अगर हम इस तरह से दे दिया जाता है तो हमसे पूछा जाता है कि स्मॉल R कैपिटल R की वैल्यू क्या होगी, इस तरह से दे दिया जाता है। अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ इनके ये आया कैसे है, देखिएगा ये मैंने बताया आपको ये मिड पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर डाला है, ये क्योंकि मैंने इक्विलेटरल ट्रेंगल लिया है तो कहीं यहाँ पर जाकर मीट करेगा, ये यहाँ पर जाकर आपस में मीट कर रहा है, इसी तरह से ये यहाँ पर जाकर मीट करेगा और ये आपस में यहाँ जाकर कहीं मीट करेगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रेंगल है। अब क्योंकि मैंने आपसे बताया कि मिड पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ तो ये क्या हुआ, मीडियन बना, जब मैंने ये मीडियन बना तो ए और डी आपस में किस रेशो में डिवाइड होंगे, 2:1 के रेशो में डिवाइड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2:1 हो जाएगा। ये ए डी की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो ए डी हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्योंकि पूरा ए डी 3 हो जाएगा। अब देखिएगा ये रेशो में किस तरह से डिवाइड, 2:1 के रेशो में डिवाइड हो रहा है, ये जो ए ओ जो बन के आएगी ये हमारी सरकम सर्कल की रेडियस होगी, और जो ये बनेगी ओ डी, ओ डी क्या है, ओ डी हमारे इन सर्कल की रेडियस है, तो हमारा किस तरह से, अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रेंगल लिया है तो अगर मैं ये हमारा परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर अगर मैं इसको टोटल को एच मान लेता हूँ, ए डी को एच मान लेता हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू ए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रेंगल लिया है। अगर मैं इसकी बात करूँ ए ओ की, ए ओ क्या है, 2:3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल 3 है और ये वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2/3 हो जाएगा, तो ये वैल्यू अगर हम इसको कट करेंगे तो देखिएगा ये कितना आ जाएगा हमारा, 2 से 2 डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, और √3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये √3 आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी a अपॉन √3। देखिएगा मैंने आपको बताया था ये हमारी आ गई a अपॉन √3, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, r के बराबर आ जाती है। अब इसी तरह से हम निकालेंगे OD, OD क्या है, इन सर्कल की रेडियस है, तो OD कैसे निकलेगी, ये क्या है 2/3 है, तो ये कितना 1/3 है, तो यही फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे 1/3 हो जाएगा, जैसे ये 1/3 होगा √3 से इसको डिवाइड करना तो √3 आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा a अपॉन 2√3 बच जाएगा, यही हमारा आ जाएगा। तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ करके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा √3/2 इंटू a इंटू 1/3,
तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, देखिएगा रूट थ्री से इसको डिवाइड करूंगा तो ये हमारी आ जाएगी a अपॉन 2√3। देखिएगा दोनों तरह से मैंने आपको बताया है, दोनों तरह से आपको मैंने बता दिया है, ये भी बताया है कैसे निकल के आया है, और ये भी आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप इसको याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको वहाँ पे सॉल्व तो करना नहीं है, आपके समझ के लिए कि आया कैसे, केवल ये बताना मेरा उद्देश्य था। अब हम आगे चलते हैं, ये हमारा है ऑर्थो सेंटर। देखिए ये हमारा है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड। ये हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी, इससे मैंने एक एल्टीट्यूड यहाँ डाला है, इसको डी कह देता हूँ। बी से ए सी पर एक एल्टीट्यूड डाला है, इसको मैं ई बोल देता हूँ, और सी से ए बी पर एक एल्टीट्यूड डाला है, उसको मैं एफ बोल देता हूँ। तो ये जहाँ पर आपस में कट करेंगे, ये जो पॉइंट होगा ये हमारा पॉइंट होगा ऑर्थो सेंटर। इसको बस इतना ही है इसमें, जब हम इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और गाइज आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये सब समझ में आएंगे, और गाइज आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।